हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। चलिए, सीआईडी किसकी, इस सवाल का जवाब फिलहाल खोजा जा रहा है, मगर हरियाणा धान की खरीद में हुई गड़बड़ी ने इस सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन इस सरकार की तीसरी पतवार फिलहाल शांत है। इन आंकड़ों का मतलब समझने में आपको देर नहीं लगेगी, लेकिन इन आंकड़ों के मायने कई सारे हैं। यानी सरकार जिस धान के एक एक दाने को खरीदने का जो हवाई किला बना रही थी, वो धराशायी हो गया है, और उसके धराशायी होने का आंकड़ा है 42,590 टन। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जिसकी कमी से सरकार अपने धान खरीदने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। इसका ब्यौरा बुधवार को खुद हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के SCS PK दास ने दिया। सब चार मिलों का वेरिफिकेशन के बाद हम जो स्टॉक चाहते थे, टोटल स्टॉक हमारी जो अकाउंट करना था वो था 64.40 लाख टन, 64,400 टन का अकाउंट पर हो गया है 42,589 टन, 42,589 टन जीरी हमें कम मिला है। कुछ जगह कुछ मिलों में चावल एक्सेस में मिला है, लेकिन वो चावल क्योंकि हमारा नहीं है तो हमारे उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। हमने अपने अकाउंट करते हुए जीरी के स्टॉक को ही अकाउंट किया, जीरी के स्टॉक के अलावा हमारा जहां ज्यादा मिला है चावल उसको हमने इग्नोर किया है। अब ये जो निकले हैं, हमारे एक एनालिसिस और भी है, वो ये है कि इन 1304 मिलों में से कुल 1207 मिलों में कमी मिली है, यानी 100 के करीब मिलों को छोड़कर बाकी मिलों में थोड़ा और या ज्यादा कमी निकली है। उसका भी एक एनालिसिस मैं बता रहा हूं कि 5 टन से नीचे नीचे कमी 205 मिलों में मिली है, 5 टन से 10 टन के बीच में 134 मिलों में कमी निकली है, 5 से 10 के बीच में 134, 10 टन से 25 टन के बीच में 248 मिलें निकली है, और 25 से 50 के बीच में 325, और 50 टन से ज्यादा 295 मिले हैं। अभी हम इन सभी मिलों को एक शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूं, मैंने फाइल पर ये आदेश दे दिया है कि वो हमें बताएंगे एक कि किस कारण से ये शॉर्टेज उनके यहां पाया गया, और क्यों ना उनके खिलाफ जो सिविल लायबिलिटी है उनका और जो क्रिमिनल लायबिलिटी है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इस पर सरकार का रुख क्या होगा, या फिर सरकार इसकी जांच कब तक करती है, ये तो बात की बात है, लेकिन इस पर सरकार का घेराव किस तरह किया जाएगा ये गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष पहले से ही इस बात को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा था कि घोटाला हुआ है। पूर्व CM हुड्डा ने तो CBI जांच तक की मांग कर डाली थी। देखिए, जो मैंने पहले कहा कि इसकी बाकायदा CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो धान की खरीद जिस प्रकार से हुई है, आढ़तियों से जबरदस्ती उठवा दिया गया, उन्होंने राइस मिल में भेज दिया गया, और किसान अपनी पेमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बड़ा भारी वो है, किसान को मजबूरन मतलब बहुत सस्ता धान बेचना पड़ा है, तो ये शुरू से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार पे कोई इस किस्म के कदम नहीं उठाए गए। जब घोटाले की खबरें उड़ रही थी तब मीडिया ने JJP नेता और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से भी इस बारे में सवाल पूछा था, तब उन्होंने ये कहा था, दुष्यंत तो सड़कों पर है, दो दिन तो मंत्रालय संभालूंगा, और कांग्रेसियों ने एक चीज विधानसभा में खड़े होकर कही थी कि जीरी नहीं खरीदी जा रही, जब भी मैंने कहा था खड़ा होकर कि हम तो जीरी का एक एक दाना भी खरीदेंगे और कोई चोरी करता है उसको पकड़वाओ, पर कांग्रेसियों में दम नहीं था, पर हमारी सरकार ने फॉर्मली ये स्टेप फॉरवर्ड लेकर एक्शन प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट किया है कि प्रदेश के अगर राजस्व को कोई लूटना चाहेगा तो उसको नहीं लूटना। तब दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि वो राजस्व को लूटने नहीं देंगे, तो लीजिए, बुधवार को खुलासा हो गया कि राजस्व को न सिर्फ चूना लगाया गया बल्कि चूना लगाने का ये खर्च 90 करोड़ तक पहुंच गया। इससे भी ज्यादा रोचक बात तो ये है कि चूना लगाने में CMCT के मिल सबसे आगे रहे। जी हाँ, 1207 मिलों की गड़बड़ी में 284 मिल अकेले करनाल के ही थे।
जहां गड़बड़ियां पाई गईं। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला इस बात पर बोलना ठीक नहीं समझ रहे। सर एक तो सीआईडी विभाग कह रहे हैं कि अनिल विज सर राइस मिल का घोटाला भी आया है 90 करोड़ का भी। सियासी मजबूरी होती भी ऐसी है। इससे पहले भी SYL हो या फिर रोडवेज कर्मचारियों का मुद्दा, डिप्टी सीएम ने कोई खास बयान देने से अपने आप को बचाए रखा था। हरियाणा विधानसभा में 47 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं, जिसमें से 40 तो बीजेपी के पास हैं और 7 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उसी को है। यानी पार्टी को जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए वो उसके पास पहले से मौजूद है, जबकि जेजेपी के पास केवल 10 विधायक हैं। शायद ये चुप्पी इसीलिए है। सर एक तो सीआईडी विभाग कह रहे हैं कि अनिल विज सर राइस मिल का घोटाला भी आया है 90 करोड़ का भी। इस 42,000 टन धान का हिसाब कैसे लिया जाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस पूरे मामले में पहले डिप्टी सीएम का जांच की बात करना और फिर अब चुप रहना कई सारे सवाल उठा रहा है। खैर, गठबंधन की सरकार में ये पतवार नाव को किस ओर ले जा रही है देखना होगा, क्योंकि फिलहाल तीसरी पतवार के पास विकल्प बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।